कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे PM SSS के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि अगर हम MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो PM SSS स्कॉलरशिप के थ्रू किस तरह से हम एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे PM SSS की, तो यहाँ पर ये स्कॉलरशिप जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के कैंडिडेट्स को 12th के बाद आपको कॉलेज अलाट होते हैं। आपको ये फॉर्म फिल करना होता है स्कॉलरशिप के लिए, और जम्मू कश्मीर से बाहर किसी भी स्टेट में आपको किसी भी डिग्री के लिए, BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, तो आपको प्रेफरेंस देने होते हैं। उसी के बेस पर आपको आपकी मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज अलाट होते हैं कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद MBBS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, बी फार्मेसी या फिर BTech करना चाहते हैं तब भी। तो हम MBBS की बात करें, तो MBBS की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद PMS की अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो MBBS की अगर बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सीधा हम स्कॉलरशिप के थ्रू हमें एडमिशन मिल जाएगी MBBS में किसी बाहर किसी कॉलेज में, बट ऐसा नहीं होता। होता ये है कि अगर आपको AMU या AMC या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है नीट के बेस पर आपको अगर वहाँ पे कोई कॉलेज बाहर मिलता है जम्मू कश्मीर से बाहर, तो आपने PM SSS का अगर फॉर्म फिल किया हुआ है तब आपको जो है वो इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं, आपकी ट्यूशन फ़ी, आपकी हॉस्टल फ़ी, सब कुछ PM SSS के थ्रू जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है ना। आपकी हॉस्टल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, सब कुछ, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से प्रोसेस रहता है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको सपोज़ आपने नीट दिया है, इस बार आपने अप्लाई किया, AMU आपको एडमिशन मिल जाती है MBBS के लिए, तो वहाँ पर अपने PMS के थ्रू जो वहाँ पर फ़ी होगी वो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, सो ये था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।